बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। अब आज का डे है संडे, वो डेट है 28 फरवरी। मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, हम मंथली व्यू देंगे मार्केट का कि मार्केट ने लास्ट मंथ फरवरी में कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है मार्च का, जो कि कल से स्टार्ट होगा, इसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग देखेंगे कि क्लोजिंग जो हुई है वो किस पैटर्न के ऊपर हुई है। क्लोजिंग जो हुई है वो डार्क क्लाउड कवर के ऊपर हुई है, जो कि इस बात को फेवर करता है कि मार्केट के अंदर बेरिश स्पेल जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो दी थी तकरीबन 46,385 से, और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो 47,339 का बनाया। मार्केट ने जो टोटल पॉइंट्स गेन किए हैं वो 954 पॉइंट गेन किए थे। मार्केट ने जो अपना लोवेस्ट लेवल जो टच किया वो किया 45,205 का। मार्केट ने जिसमें से 1180 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए थे। मार्केट की जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है वो 45,865 के पास मार्केट की क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। मार्केट ने जो टोटल अपने ओवरऑल अपने पॉइंट्स लूज़ किए हैं वो -520 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 1.12%। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो लगे हैं 5.03 बिलियंस के, जो कि प्रीवियस मंथ फरवरी से जो कि सॉरी प्रीवियस मंथ जनवरी से 28% जो है वो लो रहे हैं, 28% लो रहे हैं। मार्केट ने जो अपनी थर्ड जो तीन मार्केट ने कंटिन्यू जो अपना पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, जो मार्केट ने अपनी 3 मंथ से कंटिन्यू पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी उसको ब्रेक किया है, और मार्केट ने अब फरवरी की जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव दी है। अब मार्केट के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जना वो बनती है 43,400 की। मार्केट के पास मंथली बेस के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 43,400 की है, और मार्केट के पास स्टिल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 47,400 की है। मार्केट को इसको क्रॉस करना है, मार्केट इसको सस्टेन भी करे और क्रॉस भी करे इसके बाद मार्केट जो है अपवर्ड की तरफ जाएगी, वरना मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर रेंज बाउंड होती रहेगी। अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो मार्केट के पास जो बोलिंजर बैंड है वो आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, ये देखें ये आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं वो ऊपर से जो है एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब है मार्केट के पास अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है मार्केट के पास 47,805 तक जाने की 47,800 तक जाने की अभी भी गुंजाइश है। और हम क्या कहते हैं पैरामीटर्स की बात करें टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो पैराबोलिक को आप देख सकते हैं, पैराबोलिक जो है स्टिल फेवर कर रहा है मार्केट के बुलिश ट्रेंड को। ये देखें आप देख सकते हैं पैराबोलिक जो है स्टिल फेवर कर रहा है बुल को। और मैं अगर क्या कहते हैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज का क्रॉस अप्लाइड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी जो है बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, वो भी जो है बुल को फेवर कर रहा है। तो ये थे थोड़े टेक्निकल रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया है चार्ट के ऊपर। अब मार्केट की जो है हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेने के बाद मार्केट की समरी चेक करते हैं कि समरी में क्या क्या रेफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आती है हमें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट की जो पास जो फर्स्ट सपोर्ट है मंथली सपोर्ट 45,944 की है। मार्केट के पास जो सेकेंड सपोर्ट है 44,022 की है। मार्केट के पास थर्ड सपोर्ट जो है 42,840 की है। मार्केट के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो जनाब 47,048 की है। मार्केट के पास जो सेकंड रेजिस्टेंस है 48,230 की है। मार्केट के पास जो थर्ड सपोर्ट है 49,152 की है। मार्केट की जो RSI है इंडेक्स की वो 61.67 रही है, 61.67 रही है, जो कि लास्ट मंथ थी 62.79। और स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर जो है अभी तक जो ओवरबाउट है, जो कि बुल को सपोर्ट कर रहा है। अब मार्केट के पास जो मैंने समराइज़ किया है मुझे लगता है मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगी, एक रेंज के अंडर मार्केट जो है वो प्ले करेगी और मार्केट जो है अक्यूमुलेट होती रहेगी। मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मुझे लगता है मार्केट के अंदर आपको डिप के ऊपर अपनी बाइंग पोजिशन को अक्यूमुलेट करना चाहिए, बाइंग के ऊपर रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है आप सेलिंग से और शॉर्ट सेल से अवॉइड करें। यह था छोटा सा रिव्यू मंथली जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, और बाकी MACD को भी चेक कर लेते हैं कि MACD क्या कहती है।
जनाब आप देख सकते हैं ये MACD मैंने खोली ओपन की हुई है, मंथली स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर बना हुआ है। हिस्टोग्राम पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर बना हुआ है, कोई रिस्की नज़र कोई रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है और मार्केट इंशाल्लाह जो है बुलिश ही रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है, कोई रिस्की चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मार्केट के ऊपर बाइंग के ऊपर रहिएगा, इंशाल्लाह जो है मार्केट अपना नया हाई बनाएगी और 51,000 को जल्द से जल्द क्रॉस करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के